हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं होली स्पेशल गुजिया, जिसके फिलिंग्स के लिए मैंने लिया है आधा केजी खोआ और चिरौंजी, किशमिश, बादाम, काजू और खरबूजे का बिया। इन सबको हम घी में गरम करके सेक लेंगे। ये है पॉपी सीड, जिसको हम खसखस भी कहते हैं। ये घर का घसा हुआ नारियल, ये घर का ही घी भी है। इसी घी में हम सबको भूंज लेंगे एक एक करके, और लेकिन ध्यान रखिएगा कम आँच पर, तेज आंच पे जल जाता है ड्राई फ्रूट से, वो कम आंच पे ही सेकाता है तो अच्छा रहता है। इसको भी हल्का सा हम सेक लेंगे। किशमिश को तो बस बहुत ज़्यादा भूजिएगा मत, क्योंकि वो तुरंत काला हो जाता है। इसी में हम ये खरबूजे का बिया आप ऐसे ही डाल सकते हैं कच्चा, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने हल्का सा सेक लिया है। बस हल्का सा घी में सेक करके निकाल लीजिएगा अगर आपका मन करे तो। अब इसी घी बचे हुए में हम नारियल भी हल्का सा सेक लेंगे। अब सबको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे फिलिंग्स, और फिर हम उसमें पॉपी सीड डालेंगे। पॉपी सीड डालने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, बट थोड़ा सा उस बहुत ज़्यादा खास होता है, ताकत उसमें बहुत ज़्यादा होती है। बस ऐसे आप डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं डेली का सूजी ले ली हूँ, उसमें एक एक दाना दाना जैसे आपको लगता होगा ना, वो पॉपी सीड ही है, इसलिए उसमें निकाल ली हूँ मैं एक साथ ही, सूजी के साथ ही उसको भी। अब मैं ये खोवा को भी हल्का भूज लूँगी। थोड़ा सा मैं घी डाली थी, आप भी हो सके तो डाल लीजिएगा घी, क्योंकि वो चिपकेगा नहीं खोआ। और इसको भी अच्छे से भूंज लीजिएगा जब तक ये देखिए मेल्ट हो जाता है ना बहुत अच्छे से। और जब मेल्ट हो जाता है तो इसकी जो खुशबू है ना बहुत अच्छी सौंधी सी आएगी, नहीं तो कच्चापन रहता है। अब मैं इसी गर्म खोए में ही सूजी को मैंने डाल लिया था, जो कि बहुत अच्छे से एक साथ मिल जाते हैं। और जो काजू मैंने भूजा था ना, उसको मैं गिलास में कूट ली थी, और ये मैं बादाम है जो हाथ से ही बारीक काट रही हूँ। इन सबको मिला करके मैं फिलिंग्स तैयार कर लूँगी। अब मैं पीस के चीनी, आप अंदाज से अपने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ तो उसके हिसाब से एक कटोरी चीनी है। आप अपनी जो फिलिंग्स बनाओगे ना तो आप बताना कि आपको कितने लोग के लिए बनाना है, तो मैं उस हिसाब से मेज़रमेंट करके आपको बता दूँ। मैं ऐसे अंदाज से बनाती हूँ। देखो ये मेरा लगभग 1 केजी फिलिंग से मेरा बनकर तैयार हो गया। अब मैं मैदे में ये आधा केजी मेरा मैदा है, और इसमें 1 कटोरी 2 चम्मच घी ली हूँ मैं। घी को मेल्ट करके मैं इसमें डाल दी हूँ। जब ऐसे आप मोइन करोगे ना, लड्डू जैसा बनाओगे और बन जाएगा तो वो परफेक्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं। और गुनगुने पानी से आप हल्का उसको गूंद लीजिएगा। गुनगुने पानी से गूंदने से ना थोड़ा जल्दी अच्छे से फॉर्मेट होता है, मिक्स हो जाएगा। ये मैं सान ली हूँ, सानने के बाद बहुत अच्छे से मारना नहीं होता है, बहुत दम लगता है इसमें, ताकत लगती है। और मैं कपड़ा भिंगा के इसको ढक कर 1 घंटे के लिए मैं रख दी हूँ। उसके बाद मैं लोइया बना बना करके इसकी 2 सांचा में रखी हूँ, जिसमें इसकी फिलिंग्स को डाल करके, और साइड से पानी ज़रूर लगाइएगा। साइड से पानी नहीं लगाएंगी ना तो वो जैसे तेल में रिफाइंड में डल जाएगा, वैसे वो मुंह उसका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसलिए तेल लगा कर सील, अरे सॉरी, पानी लगा करके सील कर दीजिएगा। एक एक करके मैंने ऐसे ही इसको फिलिंग्स डाल लिया है। और हाथ से बनाने में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो हाथ से भी बेहतर बना सकती हैं, बट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये सांचा मेरे लिए बहुत ही सही है। दोनों तरफ से अच्छे से लगा लगा करके, और फिलिंग्स जो है ना, जो भी उसका मसाला है गुजिया का, ना बहुत ज़्यादा भरिएगा ना बहुत ज़्यादा कम। जब आप डालेंगी तो आप अंदाज आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डालेंगी तो भी वो फट जाएगा तेल में जाने पर, बहुत कम डालेंगी तो खाने पे मज़ा नहीं आएगा। इसलिए
डेढ़ चम्मच ऐसे मैं डाल रही हूँ, डेढ़ पौने दो चम्मच, आप अपने अंदाज से देख लीजिए उसमें। और फ्रेंड्स बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखो तो एक लाइक ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर पसंद ना आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, डिसलाइक भी कर देना, कोई फ़र्क नहीं जाएगा, बस सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई ख़राब आपको लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, थोड़ा सा हेल्प कर दो आप। अब मैं इसमें तेल गरम कर ली हूँ, पहले आप तेज आंच पे भी गरम कर लोगे ना तेल, लेकिन जब डालोगे आप ना गुजिया तो कम आंच ज़रूर कर देना, कम आंच पे ही इसको पकने देना, तेज आंच पे रहेगा ना तो ऊपर से जल्दी काला हो जाएगा और अंदर से पक नहीं पाएगा। एक तो मैदा भी है और नुकसान भी बहुत ज़बरदस्त करता है, इसलिए इसको कम आँच पर ही पकने दो धीरे धीरे, और बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाता है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, क्रिस्पी इतना होगा ना कि जो आप मैन दोगे आटे में उस हिसाब से देखो कितना अच्छा से मेरा बन के तैयार हो गया है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। आप एक बार बनाना ज़रूर, आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करना, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करना, बट सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़।